हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुस्लिम सिंधी समाज वेलफेयर सोसाइटी जालौर के तत्वाधान में आज मंगलवार को मुस्लिम मुसाफिर खाने में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान ग्राम सेवा सहकारी समिति क्वालिटी में कार्यरत व्यवस्थापक सायर खान निवासी हत्यारों को गिरफ्तार कर राजफास करवाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद रैली के रूप में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए। रैली नया बस स्टैंड, पंचायत समिति, हरिदेव जोशी सर्कल, अस्पताल चौराहा, कलेक्ट्रेट रोड होते हुए कलेक्टर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर बीएल कोठारी को ज्ञापन सौंपना था। मुस्लिम समाज ने कहा कि कलेक्टर साहब बाहर आकर ज्ञापन ले लो, तो कलेक्टर साहब ने कहा अंदर आकर ज्ञापन दे दो, तो मुस्लिम समाज के लोग नहीं माने। कलेक्टर चेंबर में ही कलेक्टर के हाय हाय के नारे लगाना शुरू कर दिए। काफी देर तक गर्मा गर्मी के बाद मुस्लिम समाज को लेकर बाहर आ गए। फिर उसके बाद जिला कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उसके बाद अतिरिक्त कलेक्टर संजय वासु और डीवा ESP अमर सिंह चंपावत को ज्ञापन सौंपा और बताया कि दिनांक 17 अगस्त 2018 को करीबन 11 बजे रात में गांव कलैटी ग्राम सेवा सहकारी समिति में सायर खान निवासी कोलर की हत्या अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका प्रकरण पुलिस थाना बगौड़ा में दर्ज किया है, लेकिन एक महीना गुजर जाने के बाद भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे परिजनों और समुदाय के समस्त जिले वासियों में भारी आक्रोश है। इस दरमियान पीड़ित परिवार से किसी एक सदस्य को राजकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए, इस हत्या का राज खोलकर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा और 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। अगर हत्या का राज नहीं खुलता है तो कलेक्ट्रेट बाहर धरने पर बैठने को भी मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, आम सिंह परिहार, उम सिंह चांदराई, मौलाना रफीक आलम अशरफी, पहाड़ खां, उम्मेद खां मेहर, सलीम मोयला, जालम सिंह और अंबालाल माली सहित काफी संख्या में जालौर शहरवासी भी मौजूद थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।